नमस्कार मित्रों, आप लोग इधर बहुत दिनों से सुन रहे होंगे कि योगा दिवस के विषय में कुछ बताने से पहले कदाचित भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किए जाने में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। और आज पूरे विश्व में, बल्कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में भी योग अभ्यास करेंगे, स्वयं वो अमेरिका में जाएंगे। आज हमारे बीच में इमरान स्कूल में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कदाचित हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाने जाने वाले आदरणीय के शर्मा जी हमारे बीच में पधारे। के शर्मा जी बहुत ही योग्य प्रशिक्षक हैं, यहाँ के प्रदेश सरकार के, प्रदेश में एनसीसी में और करीब करीब लखनऊ के सभी डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस में उनका योग सत्र हुआ है। के शर्मा जी अपने में एक सुनाम धन्य हस्ती हैं और के शर्मा जी से मैं चाहूँगा कि आज योगाभ्यास के विषय में थोड़ा सा बताएं, फिर हमारे बीच में उपस्थित ये जो यहाँ के विद्यालय के छह अध्यापिकाएँ हैं इनको प्रशिक्षित करें ताकि आने वाली हमारी विद्यालय के जो छात्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बीच में योग जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो सके, उनको अभ्यास हो सके। और योग हमारे स्वास्थ्य का विशेष कारण है, स्वास्थ्य सुधार हमारी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए आज हम योग का अभ्यास करने के लिए आदरणीय के शर्मा जी से मुखातिब होना चाहते हैं। आदरणीय के सर, और व्यवस्थाओं का विषय है जिसमें आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भी इससे बड़ी भाषा कहीं पर देखिए समझी नहीं जा सकती, क्योंकि स्वतः ज्ञान, अंदर का जो ज्ञान होता है, अंतःकरण का ज्ञान, वो एक विशेष उपलब्धि में रहता है। उसको किसी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती या किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक शब्द जो हमारा है ओ। ओ में पहला अक्षर आता है अ, आ मीन्स अज्ञान से ज्ञान की तरफ, और आखिरी वर्णाक्षर का अक्षर है जिसका नाम है ज्ञा, ज्ञान। तो माने बीच के जो अक्षर हैं जब हमारे अधूरे रहते हैं तो हम ज्ञान, फुल नॉलेज में नहीं आ सकते। तो पहले शब्द हम आ से उठाते हैं जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र, यहाँ से सांस को खींचते ऊपर लेंगे और हृदय, हृदय पे धारण करते हैं, माँ का स्थान है जो आपको शक्ति पुंजी का परिचय देता है। यहाँ से आप हृदय को उठाते हुए जब माँ पे लाते हैं मकार, तो ये जो है मन की स्थिति को एकाग्रता में लाता है, लक्ष्य बिंदु को भंग नहीं होने देता। जो कर्म की भाषा गीता में बताई गई है कि कर्मण्यधिकारे तु मां फलेषु कदाचना, मां कर्म फल हेतु रूपा ते संगो कर्म। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं, फल में कभी होना ना तू, फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। सो यू शुड बी द पार्ट ऑफ रूट। अब ये जो शब्द है ओम, उसको हम लोग नाभि से उठाएंगे और धारण करेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसका जो नाद है ना पे लेंगे ओम। तीन बार मेरे साथ बोलेंगे शांत हो जाएंगे। और इसी के साथ एक विशेष मंत्र जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जुड़ा हुआ नाम 35वें अध्याय का 11वां श्लोक मेरे साथ बोलेंगे ओम संगच्छदम संबदध्वम संबोमनां जानतां
देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। दोनों हाथों को एक साथ जोड़ेंगे। यह मंगल का स्थान बहुत जल्दी गर्म होगा, धीरे धीरे मलें और तेज़ी के साथ मलते रहें, और मलने के साथ इसको अपनी पुतलियों पर रखें, छोड़ें रखें छोड़ें रखें, और दोनों तरफ चला देंगे। यहाँ पर 80% लोगों ने महसूस किया होगा कि ये पलकें जो है थोड़ी गर्म महसूस होती हैं, सबने किया महसूस ना। तो ये जो है ये मंगल का स्थान है, सबसे पावरफुल स्थान है, जो पलकों की आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है, ठीक है, विशेष ज्ञान की तरफ लाता है। जैसे बच्चे की आँख खुलती है उसी तरीके से आप अपने आप को महसूस करते हैं। और ये जो गायत्री, ये जो हमारा मंत्र है, संग छदम सम बदम सम्भो भगवान से जानता हूँ कि हम साथ साथ चलें, संग छदम सम बदम, हमारी वाणी में मधुरता रहे। वाणी में जब मधुरता रहेगी तो हम धीरे बोलेंगे, जब मधुरता नहीं रहेगी तो हम क्रोधवश तेजी बोल सकते हैं। संभो मनांसी जानताम, और एक दूसरे की मन की बात को समझ सकें। देवा भागम यथा पूर्वे, ऐसा जैसा कि हमें देवों से प्राप्त है। सज्जनाना उपासते, सज्जन पुरुष की यही उपासना है। उपासना अगर अधूरी है तो प्रार्थना तो हम दे ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले उपासना, उसके बाद हमारी प्रार्थना। जैसा कि गायत्री मंत्र में आता है कि ओम भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, जब यहाँ पर रुकते हैं, धीमहि मीन्स उपासना, धियो यो न प्रचोदयात् प्रार्थना। तो ऐसी उपासना करते हुए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आज विदेशों के अंदर में तो 80% शुरू हो गया है, अभी भारतवर्ष में थोड़ी अभी कमी है और धीरे धीरे हो जाएगा। अब इसी के साथ कुछ हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं, जो हमारे को पैर से और सर तक पूरी तरीके से स्वस्थ रखते हैं। छोटे छोटे जॉइंट्स, मसल्स और नाड़ियाँ पूरी तरीके से शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए टू फॉरवर्ड योर लेग्स 1 एंड 2, दोनों पैरों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, नाक से सांस खींचते हुए और पिंडली को इस तरीके से चलाएंगे। तो पिंडलियों पे कोई क्रैम्प नहीं, कोई मस आप पूरा मसाज, जंघाओं का पूरा मसाज, घुटने का पूरा मसाज, और साथ ही आपके नितंब लोअर वन, आपका L1, L2, L3, L4 की पोजीशन भी स्ट्रांग होती है, ऐसे भी चलाएंगे। नो यूरिक एसिड, तो यूरिन प्रॉब्लम जो है 90% सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ दोनों पंजों को जोड़ेंगे, नाक से सांस खींचिए और पंजों को आगे लेंगे, 1 2 3 4 4 3 2 1, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, एंटी क्लॉक 4 3 2 1। उंगलियां और अंगूठे पैर के 1 2 3 4 4 3 2 1, ऐसे पंजों को लें, 1 2 3 4 4 3 2 1। इंटरलॉक योर फिंगर्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स, 1 2 3 4 4 3 2 1, स्ट्रेट योर लेग, 1 2 3 4, एंटी क्लॉक 4 3 2 1, एंड कीप इट डाउन लेफ्ट, 1 2 3 4 4 3 2 1, स्ट्रेट योर लेग, 1 2 3 4, एंटी क्लॉक 4 3 2 1, एंड कीप इट डाउन। इसी के साथ राइट लेग ओवर द लेफ्ट, यहां से पकड़ेंगे और पंजे को ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4, एंटी क्लॉक 4 3 2 1, सपोर्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स, घुटने पर पूरा प्रेशर, घुटना ऊपर नहीं आना चाहिए, घुटना नीचे जाएगा, ठीक है। सांस खींचिए नाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 4 3 2 1, एंड कीप इट स्ट्रेट लेफ्ट ओवर द राइट, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से, 1 2 3
फोर एंटी क्लॉक फोर थ्री टू वन. नाउ पुट योर लेफ्ट हैंड ओवर द लेफ्ट नी एंड राइट बिलो द फिट. यस, नीचे जाने देंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन. कीप इट स्ट्रेट. बोथ द लेग्स इंटरलॉक फ्रॉम डाउनवर्ड्स. एक्सेलेंट. कमर गर्दन सीधी सामने देखें ऊपर की तरफ. घुटनों को ऊपर नहीं आने देंगे, नीचे जाने देंगे. सांस खींचिए नाक से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड रिलैक्स. वंस मोर इनहेल इनसाइड. जाने दें. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड रिलैक्स. वंस मोर इनहेल इनसाइड स्लोली. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड रिलैक्स. नाउ राइट लेग ओवर द लेफ्ट. अब आपका जो राइट लेग है बड़े आराम से ऊपर गया होगा, जो मैंने कहा था कि बताना था मुझे. ठीक है, इसी के साथ हम कुछ करने जा रहे हैं हाथों का. इसे हाथ लें, सिर्फ उंगलियां मुड़ेंगी. वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन. अंगूठा अंदर, चार उंगलियों ऊपर से टाइट. वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन. मुट्ठी बंद, क्लोज इट. वन टू थ्री फोर एंटी क्लॉक फोर थ्री टू वन. हाँ सीधे. वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन. कीप इट क्लोज अप और पीछे से लाके जोड़ देंगे. टू थ्री फोर एंटी क्लॉक फोर थ्री टू वन. बोथ द हैंड्स अप, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. दोनों अंगूठे नीचे से और चार उंगलियां ऊपर से टाइट. नाक से सांस खींचिए, कान के पीछे लीजिए. ओवर द राइट शोल्डर रोक के रखें. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. सांस खींच के ऊपर दूसरे साइड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. अप. वन टू थ्री फोर फोर थ्री टू वन एंड कीप इट फॉरवर्ड. दोनों हाथ यहाँ लेंगे, सांस को खींच के आप जब हाथ आगे ले जाएंगे तो ये कंधे आपके कान पे नीचे टच होने चाहिए. अगर ये टच कर रहे हैं तो हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है और ब्रेन स्ट्रोक नाम की चीज़ भी ख़त्म हो जाती है. देखो इधर. वन टू थ्री फोर एंटी क्लॉक फोर थ्री टू वन. इंटरलॉक योर फिंगर्स. मानसिक उलझन से दूर रहें कैसे, इसके लिए ऐसे जोड़िए. सांस खींचे, पीछे लगाइए. पुश इट डाउनवर्ड्स, रोक के रखें. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. आगे से. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. राइट साइड. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. लेफ्ट. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. थोड़ी के नीचे. फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. बोथ साइड. नेक्स्ट साइड एंड डाउन योर हैंड्स. रिलैक्स. डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड. अब करने जा रहे हैं हम नेक मूवमेंट, गर्दन का अभ्यास. सांस को छोड़ते हुए पुट द चेन ओवर द चेस्ट. कंठ कूप में लगाएंगे ऐसे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. स्ट्रेट योर नेक टुवर्ड्स बैक. सांस खींच के जाए. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड स्ट्रेट योर नेक. ओवर द राइट शोल्डर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. स्ट्रेट योर नेक. लेफ्ट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड स्ट्रेट योर नेक. नाउ टू टर्न योर नेक टुवर्ड्स राइट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. स्ट्रेट योर नेक. लेफ्ट. वन टू थ्री फोर
5, 6, 7, 8, 9 and stay to your 9. Now, 4 times clockwise and 4 times anti-clockwise. यहाँ से जब इधर जाएंगे सांस को छोड़ते हुए, जब पीछे जाएंगे तो सांस को खींच लेंगे, ठीक है? स्टार्ट 1, 2, 3, 4. Straight your neck. Deep breath inside and exhale outside. Now anti-clockwise 4, 3, 2, 1 and state your neck. Deep breath inside and exhale outside. सांस गहरी लेंगे और गहरी छोड़ेंगे. सांस गहरी लेना और गहरी छोड़ने का मतलब आपके अंदर के लॉक्स को मुझे खोलना है. वायु विकार ही प्राण वायु में आपकी प्राणों को रोकती है. सो सारा खेल शरीर के अंदर वायु का है, पानी का भी नहीं है. तो वायु विकार कहीं भी होना नहीं चाहिए. तो प्राणवायु में प्राणायाम करने का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर हमारी वायु विकार कहीं पे लॉक है. तो हमेशा हाथ पैरों में दर्द बन रहेगा. कभी भी बात खराब हुआ तो निश्चित मानिए कि हाथ पैरों में दर्द है, ठीक है? हमें उसको निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके. अब दूसरा अभ्यास करेंगे हम आँखों का, ठीक है? लुक अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लुक डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड लुक स्ट्रेट. नाउ लुक टुवर्ड्स राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लुक स्ट्रेट लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड लुक स्ट्रेट. नाउ राइट अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेफ्ट डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड लुक स्ट्रेट. ऐसे लेफ्ट अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. राइट डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड स्टेट. ऑल द 8 साइड्स बड़ा गोला बनाएंगे क्लॉकवाइज. कमर गर्दन सीधी 1, 2, 3, 4. एंटी क्लॉक 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड. नाउ फॉरवर्ड योर लेग्स 1, 2. कंधे के बराबर पैरों के बीच में गैप बनाए. और ये जो कलाई है, ये कलाई घुटना मुड़ना नहीं चाहिए और अंगूठे से आगे निकाल लेना है ऐसे. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. अप स्ट्रीम 1, 2, 3, 4. डाउन स्ट्रीम 4, 3, 2, 1. इंटरलॉक योर फिंगर्स. 4 आर्क लगाएंगे हम. पहला इधर से लगेगा पूरा, फिर आगे से लगेगा, इधर से लगेगा और पीछे तक इस तरीके से पूरा गोला बनना चाहिए, ठीक है? 1, 2, 3, 4. एंटी क्लॉक 4, 3, 2, 1. आप लोग बोलते होंगे इसको करने से फ़ायदा क्या है? इसको करने से फ़ायदा ये है कि आप साइटिका के पेशेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो नितंब इधर का पोर्शन है, जब आप इधर करते हैं तो ये झुकता है, इधर करते हैं तो ये झुकता है. पीछे जो L1, L2, L3 की पोजीशन है वो स्ट्रांग होती है. कमर में दर्द नहीं होता है. कोई भी चीज़ झुक के आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं. दूसरा करने जा रहे हैं हम कटी सौंदर्य, ठीक है? उसमें राइट हैंड ओवर द लेफ्ट और ये वाला हाथ पीछे जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेग्स. फोल्ड योर लेग. 6 की पोजीशन लेंगे. 6 योर लेग्स टुवर्ड्स योर राइट एंड हैंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट.
फाइव वज्रासन में आएंगे, कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ की करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज 90% लोग पेशेंट हैं वो है डायबिटिक। और जानते हैं भारतवर्ष की सबसे बड़ी चीज़ है ये डायबिटिक होने का एक कारण है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें जो यम है राजयोग सबने लिया और राजयोग हटा तो यमराज आ गया। डायबिटिक अपने यमराज का काम करती है, क्यों करती है देखिए, यम के जो हैं पांच नियम हैं। पहला है सत्य, तो सत्य से जब दूर हटे तो हमने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और झूठ बोलना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा बोलेगा झूठ बोलेगा, ठीक है। सत्य के बाद में आता है आस्तेय, आस्तेय मीन्स चोरियाँ, चाहे वो आँख की गई चोरी हो, वाणी की गई चोरी हो, या कैसी भी चोरी हो। फिर उसके साथ दूसरा आता है अपरिहार्य, अपरिहार्य मीन्स जरूरत से ज़्यादा संचय करना। कोई भी चीज़ महानगर में दिखाए, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो भी पसंद आई लेके आ गए, इकट्ठा कर लिया इतना कि हम उसी मोह के अंदर में दूसरी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, हमें और क्या करना है। और फिर आता है संतोष, तो धैर्य कहाँ रह गया, सहनशीलता नहीं रह गई। जब धैर्य और सहनशीलता कब रहेगी, जब आपके चीज़ें कम हैं। तो ये सारी चीज़ें यम के साथ जुड़ी हुई हैं, इन नियम को पालन करते हैं अगर हम, तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, वरना हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अपाने जो बते प्राणम प्राणे अपाने तथा परे प्राणायाम गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाम, तो प्राणों की गति को रोकना और छोड़ना ये आपके अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। करने जा रहे हैं मंडूकासन भाग एक दो और तीन, दोनों अंगूठों को जोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और नाभि के नीचे लगा देंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे को झुकना है, ठोड़ी लगानी है और कंधों को पीछे लेते हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस खींचिए और धीरे से ऊपर आने की कोशिश करें। ये पार्ट वन। पार्ट टू में हमने हथेली का हिस्सा नाभि पर लगाया, दूसरा वाला इसके ऊपर लगा लिया, ठीक। नाक से सांस खींचिए और सांस को छोड़ते हुए पेड़ों को दबाते हुए आगे को झुकेंगे, ठोड़ी लगाने की कोशिश करें, ऊपर की तरफ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस खींचिए, दबाइए पेड़ों को और ऊपर को आइए। दिस इज द सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। पहले ज़माने में माँ लोग खाना खाते थे, खिलाती थी तो पांचों उंगलियों से खिलाते थे, तो पांचों तत्व जो है शरीर के साथ जुड़ने से क्या होता था, खाने में भी स्वाद रहता था और बनाने वाले को भी स्वाद रहता था। आज चम्मच का इस्तेमाल हो गया, बीच में मीडिया आ गया तो सब बिगड़ गया, ठीक है। तो ये पांचों उंगलियों को लें, यहाँ पे रखें, डायबिटिक नहीं रहेंगे, ये पांचों को ले लें, यहाँ ले लें, ठीक है। सांस खींचिए और सांस छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस खींचिए और धीरे से ऊपर। ये था हमारा मंडूकासन भाग एक दो और तीन। इसी के साथ करेंगे हम शशक आसन। सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे रखेंगे एंड कीप योर फोरहेड इन बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस खींचिए ऊपर लें, रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 and 3 थर्ड पार्ट। कीप अ डिस्टेंस बिटवीन द नीज, दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। हमारे अंदर आलस या प्रमाद नाम की चीज़ अगर है, अगर आलसी हैं तो लापरवाह भी रहेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम आलस और प्रमाद को निकालने का एक माध्यम निकाला है कि ये दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे एंड स्लाइड इट फॉरवर्ड, आगे को फॉरवर्ड करते हुए पुट योर चिन इन बिटवीन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांस खींचिए और स्लाइड करते हुए हाथों को अपनी तरफ को लेकर आएंगे, ठीक है। उत्तान पादासन, दोनों हाथों को ऐसे, एक पहला हाथ ऐसे लीजिए पीछे लगाइए रीढ़ की हड्डी पर और दूसरा वाला भी इस तरीके से ऐसे, यस। सामने देखें ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 रिलैक्स, डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे लगा देंगे। दो यू आर सफरिंग विद थायराइड TSH, या जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं आजकल, ज़्यादा 90% लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं,
तो अभी भी एक रिकवरी हमको अच्छी मिली है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यह आप छोड़िएगा नहीं जो मैं कराने जा रहा हूँ। इसका नाम है सिंह आसन। करना कुछ नहीं है, गर्दन ऊपर उठाइए, एक साथ ऊपर को देखिए, एक टक, जबान पूरी बाहर और गले से आवाज़ आनी चाहिए खुल के, और से 1 2 3 4, कोई कंजूसी नहीं प्लीज़, ये योग की क्रिया है। स्टार्ट, पूरी जबान बाहर ऊपर देखते हुए, गले से आवाज़, यस 1 2 3 4। और अगर जो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि दे आर पेशेंट, यस। फिर से करिए एक बार, आवाज़ तो बहुत साफ आनी चाहिए। स्टार्ट, 1 2 3 4, नहीं आ रही है, इसका मतलब है देखो स्लाइवा में स्केलिंग आ गई है। स्केलिंग मीन्स हमारे यहाँ होता है, अगर बॉयलर के अंदर में स्केलिंग आती है तो क्या है, जितने भी हाई प्रेशर पार्ट्स हैं सब डैमेज होंगे, तो इसलिए इसके अंदर में हम एंटी कार्बोनाइजिंग कंपाउंड डाल देते हैं ताकि उसमें स्केलिंग ना आए। पानी बहुत साफ चाहिए, फिल्टर बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी स्केलिंग जब जम जाती है तो हमें जो है तरह तरह की बीमारियाँ गले के पास से पकड़ लेती हैं, आवाज़ ही बैठ जाती है, ये आवाज़ फट जाती है ये। तो ये आवाज़ का एक रोल है जो आपको करना है। अब इसी के साथ दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं, जब भी क्या हमने सिंहासन, दोनों पैरों को जोड़ेंगे और घुटने पर खड़े हो जाएंगे। ये जनरली हमारे आईपीएल प्लेयर्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको फील्डिंग करनी पड़ती है, और जिनको बैठ खड़े होने की क्षमता कम है वो खड़े होने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। कमर में कभी दर्द नहीं रहेगा, ये हाथ इधर रखा, ये हाथ इधर रखा, नाक से सांस खींची, पहले गर्दन पीछे ली और कमर को आगे लिया, रुक के रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गर्दन सीधी, कमर सीधी, डाउन योर हेड, दोनों हाथ कमर पे, नाक से सांस लेके पहले गर्दन पीछे लेंगे, कमर आगे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्ट्रेट योर बैक एंड योर नेक, डाउन योर हैंड्स, रिलैक्स, डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड। पीछे से पंजे को खड़ा करेंगे, करने जा रहे हैं हम उष्ट आसन। ये आपकी बैकबोन के लिए, आपकी जो अपर बोन और लोअर बोन, इसके बीच में जो हमारी बैकबोन है ये कहीं ना कहीं भी डिस्टर्ब होती है और दर्द बना रहता है, कभी बीच में आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है। तो करेंगे हम उष्ट आसन, बाएं हाथ सीधा उठाएं, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर से बाहर, उंगलियां खोल दें और बाहर से फैलाते हुए हमने ये उंगलियों को ऐसे ले जाके एड़ी पर रख देना है। दूसरा वाला भी हाथ इसी तरीके से, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर से बाहर, उंगलियों को खोलते हुए पीछे वाली एड़ी पर ऐसे धीरे से रख देंगे, गर्दन पीछे, कमर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले लेफ्ट हैंड लेकर आएंगे और फिर राइट हैंड लेकर। ये जब क्रिया अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम करेंगे एडवांस आसन। एडवांस आसन में क्या करेंगे, ये जो हमने पंजा पीछे को रखा है ये पूरी हथेली जाके उसके ऊपर बैठ जाती है। देखो अभी ऐसे मैंने उठाया, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर से खोला और ये देखिए ऐसे खोल के और सीधा ले जाके हमने हथेली को यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दूसरा वाला भी हाथ लिया और ये जाके ऐसे हथेली रख दिया, कमर आगे, गर्दन पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ये लेकर आए और फिर इसको लेकर आए, रिलैक्स, डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड, सांस गहरी लेंगे, गहरी छोड़ेंगे और यहीं से हम एक टर्न लेते हैं, 3 2 एंड 1, कुछ खड़े होकर करने वाले हम आसन करेंगे, तैयार। और इसमें जो है सबसे पहले आता है हमारा ताड़ आसन, पंजे को जोड़ के रखेंगे, 1 2, इंटरलॉक योर फिंगर्स, 3 एंड 4, फोकस पे सिंगल पॉइंट, कहीं भी एक जगह नज़र लगा ले, हटनी नहीं चाहिए नज़र वरना यह नहीं कर पाएंगे। सांस खींचिए नाक से और पीछे से एड़ी को स्लोली उठाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सांस छोड़ते हुए धीरे से एड़ी को रखें, 1 2 एंड 3, सो नो स्ट्रेन ओवर देयर, कुछ भी नहीं होगा, कीप अ डिस्टेंस ऑफ द शोल्डर इन द लेग, 1 2 3 एंड 4, इनहेल इनसाइड, सांस खींचिए नाक से और टुवर्ड्स योर राइट स्लोली नीचे को जाएं, कोशिश करें कि फ्लोर को टच कर जाए आपका हाथ इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन, सांस खींचिए और ऊपर को आएंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ, इनहेल इनसाइड एंड वेरी स्लो गो टुवर्ड्स लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सांस खींचिए और धीरे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे, वन टू एंड थ्री। अब जो कराएंगे हमें कोण आसन, कोण आसन वो अपने आप में एक विशेष जरूरी है, और वो है क्या, ये हाथ ऐसे लेंगे, इंडेक्स फिंगर पे पूरी नज़र होनी चाहिए आपकी, और ये हाथ स्लाइड करेंगे नीचे को, नीचे वाले टखने को टच करना जाके, ठीक है, ऊपर देखते हुए ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब सांस खींचते हुए स्लाइड करते ऊपर को लाएंगे, दूसरी तरफ ऐसे जाएं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सांस खींचिए और ऊपर को आएंगे। नाम था कोण आसन, इसके पहले जो किया था तिर्यक ताड़ आसन, इसके पहले किया था ताड़ आसन, और उसके पहले किया था उष्ट आसन, इसके बीच में किया था अर्ध चक्र आसन, ठीक है। अब जो करेंगे वो है हमारा कंधों के लिए, ये हाथ इधर रखेंगे, ये हाथ इधर रखेंगे, जिस हाथ को यहाँ पे रखा है उस तरफ मुड़ते हुए दूसरे पैर की एड़ी को ऐसे देखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सांस खींच के गर्दन सामने, हाथ डाउन योर हैंड्स, दूसरा वाला हाथ से कंधे पर, ये वाला हाथ इधर, सांस खींचिए नाक से और दूसरी तरफ मुड़ते हुए दूसरी एड़ी को देखेंगे, वन टू एट नाइन, सांस खींचिए और गर्दन सीधी, डाउन योर हैंड्स, रिलैक्स, डीप ब्रीथ इनसाइड एंड एक्सहेल आउटसाइड, और गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। करेंगे हम दूसरा अभ्यास, और वो है हमारा नान हंस का वृक्ष आसन, कर लेंगे, कितने लोग कर सकते हैं, मालूम क्यों मैंने पैर पैर को उठाया, क्योंकि इसको आपने यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ये जो है, ये जो हील है, इट शुड बी रेस्ट ओवर द पेरिनियम पार्ट ऑफ द सॉरी इट शुड बी रेस्ट ओवर द पेरिनियम पार्ट ऑफ योर थाई, यहाँ पर लगेगी, अगर यहाँ नहीं लगा पाएंगे तो वो आपको दिक्कत कर सकती है। उसके बाद आपने इस तरीके से लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू एंड थ्री, और धीरे से नीचे आए, इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड प्रोस्टेट नाम की चीज, और ये जो नस है आपकी, ये कभी श्रिंक नहीं करेगी, ये अगर श्रिंक करेगी तो आपके पैर लड़खड़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे पैर से ही करेंगे, एक मिनट ये स्लिप करते हैं, हाँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो ये हमारा था वृक्ष आसन, करेंगे हम दूसरा अभ्यास, नाम ताड़ नो इसको कहेंगे हम कोण आसन, वो नटराज आसन, ये हाथ ऐसे लेंगे, इस तरीके से लेंगे, रोक के रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड डाउन योर हैंड, रिलैक्स, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। इसी के साथ आपने अंगूठे पर एंकर लगाना है इस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड डाउन योर, दूसरे साइड से भी करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड डाउन योर हैंड, अंगूठे पर लगाएंगे एंकर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड डाउन योर हैंड। तो ये हमारा था जो किया था अभी नटराज आसन, नटराज आसन के पहले किया था वृक्ष आसन, उसके पहले किया था कोण आसन, कोण आसन के पहले सॉरी निकल गया क्या ये, अच्छा कोण आसन के पहले किया था हमने तिर्यक ताड़ आसन, उसके पहले किया था ताड़ आसन, उसके पहले हमने किया था अर्धचक्र आसन, उसके पहले किया था उष्ट आसन, और साथ ही हमने किया था आपका मंडूक आसन, भाग एक भाग दो भाग तीन, ठीक है। आप जो करने जा रहे हैं वो है बैठने की क्रिया, आई वुड लाइक टू गिव देम सम रिलैक्सेशन बिटवीन दैट आई मे आस्क सम क्वेश्चन टू यू, राइट सर, थैंक यू, आराम से बैठेंगे, बैठने की प्रक्रिया में आएंगे तो फॉर ओनली टू या थ्री मिनट,
शर्मा जी, आपका जो हम ये देख रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था सर, और बड़ा संदेश परक है पूरे समाज के लिए। हमारा करीब ब्रॉड भी देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर वगैरह वगैरह में जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सरोकार दिव्यांगम चैनल है, तो दिव्यांगों के लिए भी है, तो कुछ ऐसे बातें जो इसमें बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिव्यांग कर सकते हैं, भी हमने देखा आपके आसन में, कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक आसन जो है दिव्यांगों के लिए भी आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी। इसमें दिव्यांगों में अगर कोई यहाँ पर तो नहीं बैठे हुए हैं? नहीं। दिव्यांगों के लिए जो विशेष आसन है, उस आसन में जो सबसे पहले आता है वो आता है जब हमारा बोलते यम नियम आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम। अभी जो आपने किया अभी तक वो आपने आसन किए हैं, आसन के पहले नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नियम का पालन कोई भी नहीं करते हैं और हम आसन करते हैं तो सारे आसन छीण हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। नियम में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो ये सारी चीज़ें होती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स होता है ईश्वरीय चिंतन पहला, ज्ञान वेद अध्ययन दूसरा, तीसरा ज्ञान उपार्जन, और चौथा आता है वीर रक्षण। ईश्वर तुम्हारी रक्षा खुद करते हैं, किसी को करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये पहले के तो तीन चरण हैं, ईश्वरीय चिंतन, वेद अध्ययन, ज्ञान उपार्जन। तो ज्ञान तभी मिलेगा जब आप वेदों की जननी माँ गायत्री को पकड़ेंगे। तो मतलब और ना सकते तो कम से कम रोजाना एक गायत्री मंत्र का भी जाप कर लेते हो तो वेदों का अध्ययन हो गया। एक आपको ज्ञान का संचार अंदर से लाइट देती रहती हैं वो, ठीक है। या किसी को भी मानते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उसको अपने सामने जरूर रखें, वो लाइट देगा। अगर दूसरे धर्म के लोग भी हैं तो वो अपने अपने धर्म का भी आचरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम बंधु हैं, ईसाई बंधु हैं, या सरदार लोग हैं, तो अपने जो कुछ भी जो भी धर्म का हो। सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है, दूसरे धर्म के लोग। अब ध्यान देने की चीज़ है, हमारा एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनियम, विनयात याति पात्रताम, पात्रात्रात यात्र धनम, और धनम रक्षति धर्म। अब धन से, किस धन से धर्म की रक्षा होती है? तो योग्य जो व्यक्ति है, जो ज्ञान प्राप्त करके योग्य हुआ है, वो जो धन प्राप्त करता है, उस धन को अगर वो सही में धर्म के काम में लगा रहा है तो उसकी रक्षा खुद करता है ईश्वर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन धर्म जो है, धर्म पर पराकाष्ठा मजबूत होनी चाहिए कि हम धर्म के हितार्थ काम कर रहे हैं, तो धर्म निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगा। आगे जो है, अब जो हम आ रहे हैं जिस विषय पे, वो है हमारा प्राणायाम। तो प्राणायाम में आता है वो है हमारा सबसे पहले प्राण में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हमारा होता है आहार। अगर हमारा आहार गंदा है, गंदा मीन्स ऐसा नहीं पोल्यूटेड है या हमें मालूम नहीं और हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है तो हमें ये मालूम है क्या अच्छा है क्या खराब है। सवेरे आप सबसे पहले जूस लें, कोई भी जूस लें, बहुत सोचते हैं जूस तो बहुत महंगा है, 40 रुपये का है, 30 रुपये का, 50 रुपये का, नींबू पानी तो सस्ता है तो ले सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो जूस लें, दोपहर को छाछ लें, और शाम को एक गिलास दूध। दूध अगर कोई कहते हैं हमको हजम नहीं होता है, एक हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी, आप कच्ची लस्सी बना लीजिए, पी लीजिए, पूरी तरीके से पेट आपका स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सवेरे पेट भी साफ रहेगा, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज़ है, खाने का तरीका हमें जो है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई दुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती आहार विहार के अंदर में, अगर हमारा ये पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है। तो इसके लिए हम प्राणायाम के अभ्यास पे आ रहे हैं। प्राणायाम में होता है प्राणवायु का संचरण। तो जो हमारे हनुमान जी थे उनके पास में एक ही शक्ति थी, वो थी वायु मार्ग। वायु मार्ग को उन्होंने अपने हाथ में रखा था, वायु मीन्स ज्ञान मार्ग है उसके साथ में। तो जो वायु मीन्स प्राणवायु, प्राणवायु की जिसका संजीवनी है उसके पास सारी संजीवनी है। अब इसमें जो सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम हमें सांसों को कैसे मजबूत रखना है, तो हम छोटा सा एक अभ्यास करने जा रहे हैं भस्त्रिका में। दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, लेकिन ख्याल रखिएगा सांस अंदर नहीं लेनी है, सांस सारी बाहर छोड़नी है। जैसे साइकिल में हम पंप से हवा भरते हैं, ऐसे रिलैक्स। आपने फेफड़े की सारी कार्बन निकाल दी, ऑक्सीजन अंदर जनरेट होनी शुरू हो गई, आपने खुद अंदर से एनर्जी ऊर्जा का एहसास किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ या आप बोलेंगे। दूसरा करने जा रहे हैं,
आपका जो ये पार्ट है इसको हेल्दी कैसे रखेंगे, इधर अंगूठा रखिए, लेफ्ट से सांस को तेजी से बाहर की तरफ फेंकेंगे, रिलैक्स, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, दूसरे साइड में रखेंगे, अब राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे तो ये पोर्शन हेल्दी रहेगा, रिलैक्स। अब दोनों से एक साथ जब छोड़ेंगे तो ये पोर्शन जो कहते हैं ना, इस पर टप ना मारो तो याददाश्त चली जाती है, विवेक शक्ति चली जाती है, तो विवेक शक्ति भी मजबूत रहे, याददाश्त भी मजबूत रहे। जब सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हम बोलना क्या, हम बोल नहीं पाते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं, वो होता है रोंग गणित। विवेक शक्ति जिसके पास में है ना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, हम दोनों से एक साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, करने जा रहे हैं दूसरा अभ्यास, नाम है हमारा अग्निसार। अग्निसार में नाक से सांस को खींचेंगे, बाहर छोड़ेंगे, बाहरी रोकेंगे, इसको हम कहते हैं बाह्य कुंभक, ठीक है, और जो पेट है उसका आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण। तो आपकी यहाँ पर जो आपका लीवर और पैनक्रियाज, उसका फंक्शन स्ट्रांग हो जाता है और कोई भी एसिड वगैरह जो अपने सिस्टम में संतुलित होने लगता है। स्टार्ट, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग साइड एंड एक्सहेल आउटसाइड। अब आ गया हमारा कपाल भाति, एक सेकंड में एक बार, एक मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 15 मिनट में 900 बार। 900 बार अगर रोज करते हैं तो 40 दिन के अंदर में 90% पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 90%। लेकिन ईमानदारी कहीं भी नहीं है, एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, तीन दिन बताना शुरू कर देंगे, चौथे दिन उसको भी नहीं बताएंगे, खुद भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो कहीं किसी का गुरु ना बनिए, पहले अपने आप को 40 दिन पूरी तरीके से झोंक दीजिए कि हमें कपाल भाती करना है, अपने को और सही तरीके से करना है। मैंने कहा एक सेकंड में एक बार, एक मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 15 मिनट में 900 बार। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको लगता है कि 900 बार नहीं कर सकते हैं, आप 5 मिनट सुबह करिए, 5 मिनट दोपहर को करिए, 5 मिनट शाम को करिए, 8 काल हैं आपके पास हैं, 10 घंटे हम रोज के ख़राब करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं करता, मैं गिना देता हूँ यहाँ से। देखिए सवेरे 3 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई विशेष काम नहीं करते लोग, और रात को 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक कोई काम नहीं करते, सिर्फ मोबाइल पर चलते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं हम बीमार हैं, तो बीमार तो रहेंगे रहेंगे। तो 5-5, 10 घंटे तो हम कैसे सेव करें, बाकी भूल जाइए आप, आप देखिएगा अपना सब कुछ सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। इसके पहले सारे काम अपने ख़त्म कर लीजिए 9 बजे के पहले, 9 से लेकर 2 बजे के बाद में साधना वाधना जो करनी कर सकते, बहुत अच्छा समय है। बीच में 2 से 3 का एक करना काल होता है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के, आप देखिए 2:30 बजे 1:30 बजे रात को जब नींद आती है, क्यों आती है ट्रेन के अंदर में, आप देखिए कार्बन एक्सेस में होती है, कहीं भी किसी के ऊपर कोई लुढ़क जाएगा, और जैसे 2:30 बजे उसके बाद नींद खुल जाती है, ऑक्सीजन एक्सेस है हमारे पास पर, उस समय आप जो भी क्रियाएं करेंगे 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, ईश्वर से भी आपको पूरी शक्तियां मिल रही हैं, देव पुरुष भी सब जग रहे होते हैं, 8 बजे तक खींच लीजिए। अच्छा नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नाम है हमारा कपाल भाति, कम से कम 40 टाइम्स, तैयार, करना कुछ नहीं है, पेट का कुंचन, सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, रिलैक्स, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ेंगे, और गहरी लें, गहरी छोड़ेंगे, एक बार कटी सौंदर्य कर लीजिए इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 एंड टू फोल्ड योर लेग्स, रिलैक्स, टू फोल्ड योर लेग। अब जो करने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा वाह्य प्राणायाम का हिस्सा है ये, जिसमें मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, 3 बंद लगाते हैं, ठीक है। तो मूल बंद मीन्स नाभि के हिस्से को ऊपर को खींच लेते हैं, उसके बाद उद्यान बंद पूरा पेट अंदर,
और जलंधर बंद में हम गर्दन को चला के यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। ये बहुत अच्छी दीर्घायु के लिए, अल्पायु के लिए नहीं, दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान के लिए बहुत अच्छी शक्ति है क्योंकि यहाँ से प्राप्त होती है। करना कुछ नहीं है, नाक से सांस खींचे गए, मूलाधार चक्र को ऊपर ले लेंगे ऐसे, फिर पेट का कुंचन सांस को छोड़ते हुए और गर्दन को दोनों तरफ चला के कंठकूप में लगा देंगे। नीरे से गर्दन उठाएंगे और सांस को छोड़ देंगे। हमारे देवराव बाबा एक थे गंगा जी के किनारे संगम पर, वो बहुत करते थे और बहुत यही प्रैक्टिस थी उनकी, और कुछ नहीं करना था। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने देखा और राजीव गांधी को भी उन्होंने देखा, ऐसी कोई आयु पाने वाला कोई होगा नहीं, इस तरीके की आयु थी। और इस तरीके के जो लोग हैं बहुत कमी हो पाते हैं, ऐसे बहुत लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। करेंगे हम दूसरा अभ्यास और नाम है हमारा उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जिसमें आप थायराइड पेशेंट को ज़बरदस्त करना ही करना है, कंपल्सरी अपने उसमें डाल लीजिए। डॉक्टर अनिल अग्रवाल यहाँ पर है, वो ट्रीटमेंट देते हैं थायराइड को, उनको ये लगा कि हाँ करना चाहिए। इसमें करना कुछ नहीं है, गर्दन से गले से सांस को अंदर को खींचना है, ठीक है। जैसे हिचकी लेते हैं, हिचकी लेनी आती है आपको किसी को, कैसे लेते हैं हिचकी लेते हैं तो गर्दन से सांस को खींचते हैं, ऐसे हिचकी लीजिए और सांस को अंदर गले से खींचिए कैसे, गर्दन को चलाइए और थोड़ी कान को रोक के रखिए। धीरे से गर्दन उठाएंगे, राइट साइड में अंगूठा लगाएंगे, लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे राइट में अंगूठा लगा के, अगर आपने ये अंगूठा नहीं लगाया तो क्या शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। ये सूर्य स्वर और ये आपका चंद्र स्वर, ठीक है। ये दोनों स्वर एक ही बार चलते हैं 24 घंटे में, वो शाम का संध्या काल सायंकाल, इसलिए कहते हैं कोई किताब नहीं उठानी चाहिए, दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। करेंगे हम दूसरा अभ्यास, नाम है शीतली। शीतली मीन्स एसी है, पंखा है, नहीं भी है तो आप अंदर से विचलित ना हो, गर्मी है शरीर के अंदर लग रही है तो क्या करना है, जबान को ट्विस्ट करिए ऊपर को लीजिए और पूरी सांस को अंदर खींचेंगे इसे। लिप्स बंद कर लीजिए और नाक से सांस को छोड़िए, जितनी देर रोक सकते हैं। 3-4 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर के अंदर में ठंडक महसूस होने लगेगी। फिर से एक बार करिए, दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, नाम है हमारा शीतकारी। जबान जो है आगे की टिप दोनों दांतों के बीच में लगाएंगे, मुंह बंद, नाक से सांस को छोड़ेंगे। नाउ लास्ट पड़ाव पे हम प्राणायाम के आ रहे हैं और वो है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी में इंडेक्स फिंगर ओवर द आईब्रो, मिडिल फिंगर टू द रूट ऑफ योर आईज एंड नोज, रेस्ट ऑफ टू फिंगर्स ऑन योर चीक्स, क्लोज योर ईयर्स विद योर थंब, लुक इन फ्रंट लोटस विद राइजिंग सन इनसाइड द पॉन्ड। गहरी सांस लेंगे और नाक से ओम शब्द का शंखनाद करेंगे। Once more. Once more. Both the hands over the knees. Udgit. 3 bar. Om Sab. द हैंड्स ज्वाइन विद ईच अदर और ऐसे मलेंगे, मलने के साथ
अपनी पुतलियों को दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे और दोनों तरफ चला लेंगे। करने जा रहे हैं हम आखिरी पड़ाव। इतनी चीज़ें हमने प्राप्त करी हैं योग में, प्राणायाम में, तो उसका फल जो है हमें असफलता में नहीं सफलता में मिले, इसका करेंगे शांति पाठ। तैयार है? कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओम देव शांति रंतरिक्षम शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रणव ध्वनि, एक बार सिर्फ शांति बोलेंगे। ओ शांति। सभी प्राणियों में विराजमान प्रभु की सत्ता को हम सब आपस में नमन करते हैं। शांति, ऐसे से मर लेंगे, ऐसे से आ लेंगे, सिक्स की पोजीशन लेंगे। सिक्स सर, सॉरी मुखर्जी, एमरल एकेडमी की कोऑर्डिनेटर। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है केके शर्मा जी से मिलके और इतना ज्ञान प्राप्त करके योगा के विषय में। जानकारी जो हम लोग को थी तो बस आधी अधूरी थी, आज पूरी हुई और उनके साथ सेशन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप आज अच्छा लगा योगा करके। आज से पहले मैंने कभी योगा नहीं किया था लेकिन आज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर फॉर ये इतना अच्छा योगा हम लोगों को कराने के लिए। हम लोग जैसे घर पे तो योगा करते हैं कभी कभार, जैसे पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता, बट इतना प्रॉपर वे में इतने अच्छे तरीके से आपने हम लोगों को कराया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। योगा तो मैं करती थी बट इतना अच्छा तो नहीं करती थी। कुछ जैसे सांस लेने में लेफ्ट से लूँ या राइट से, हमेशा कन्फ्यूजन रहता था, बट आज थोड़ा क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, मैं अच्छा लगा आपके साथ योगा करके। वैसे मैं प्रैक्टिस टाइम करती हूँ लेकिन आपके साथ करके ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद सर, आज से पहले हम लोग ने कभी योगा नहीं किया था लेकिन आज योगा करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा योगा करती थी, जैसे हम लोग बच्चों को स्कूल में एक दो स्टेप सिखाते हैं जितना हमें पता है तो उतना ही कराते थे, लेकिन इतना डीपली नहीं। और क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, मुझे साटिका का प्रॉब्लम है, तो मैं खुद में इस समय मुझे घुटनों के बल खड़े होने में, बैठने में प्रॉब्लम होता है, बैठ जाती तो उठ नहीं पाती, उठती है तो बैठने में दिक्कत होती है। अभी मैंने चिकनगुनिया भी फेस किया था तो उसके चलते भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी आज जितना भी योगा अभी आपने सिखाया इतने अच्छे तरीके से मैंने कुछ किया तो मैं कुछ थोड़ा सा बेटरमेंट फील कर रही हूँ अपने अंदर, कि ज़रा बहुत मूवमेंट में, नीज़ के मूवमेंट में मुझे बहुत काफ़ी रिलैक्स्ड हो रहा है, कि अभी वो प्रॉपर जो आपने सिंहासन वाला करवाया वो भी मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अभी इसके बल नहीं खड़ी हो पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ, बट हाँ मैं सीखा है आज मैंने, तो मैं कोशिश करूँगी ताकि जल्दी से जल्दी मैं इससे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, सर मैं आज से करीब 10 साल पहले ट्यूमर से जूझ रही थी और उस वक्त मैंने प्राणायाम की ही मदद ली थी। प्राणायाम और योगा से मेरी वो बीमारी भी दूर हुई, होम्योपैथिक दवाइयाँ चल रही थी और एलोपैथिक को मैंने छुआ भी नहीं। तब से मेरा योगा में बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा, और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं भी बच्चों को योगा सेशंस दूँ ताकि वो भी अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहें और प्राणायाम की मदद से अपनी एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत करें। सर थैंक यू सर। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए एमरन एकेडमी को विशेष धन्यवाद देता हूं और अपने गुरुजी आदरणीय केके शर्मा जी को। केके शर्मा जी का ये मूल्यवान योगदान हम सभी के लिए और दर्शकों आप सबके लिए भी,
और दर्शकों, ये आज का हम लोगों ने तो अभी देखा, आप अभी कभी भी YouTube उठा करके, आप कभी भी एक्सरसाइज करते हुए कोई चीज़ भूल सकते हैं तो आप देखते हुए कर सकते हैं। हमारा दिव्यांगम YouTube चैनल है, लिंक भी आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। और इसके अतिरिक्त आज के कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय मीता श्री जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन को कराने में अपना विशेष योगदान दिया। मीता श्री जी से मैं दो शब्द के साथ आज का कार्यक्रम समापन कर रहा हूँ, और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आपको, कल मित्रों आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लाइव प्रसारण हमारा दिव्यांगम का होगा, जिसमें दो मंत्री होंगे और कई लोग होंगे, पूरे विकलांग जगत के दिव्यांग व्यक्ति होंगे और दिव्यांगों के साथ साथ सकलांग लोग भी होंगे, उसको आप जरूर देखना ना भूलिएगा। लेकिन है सवेरे लाइव जो है हमारा 6 बजे से लाइव है, मैं करीब करीब 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा और 5 बजे से लोग आने शुरू हो जाएंगे, लगभग 1000 लोगों के आने की संभावना वहाँ पर बताई जा रही है, तो उसमें आप लोग देखना ना भूलिएगा, बड़ा यूजफुल, बड़ा योगदान उसमें है। लेकिन आज का कार्यक्रम जितना योगदान वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बृहद कार्यक्रम होगा, छोटे में आप जितना समझ सकते हैं उतना आज रोज़ आप इस YouTube को देख करके आदरणीय के शर्मा जी के द्वारा बताई गई बातों का अनुकरण करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आदरणीय मीता जी। लेकिन कभी आप ऐसा महसूस करें कि एक क्रोनिक डिसीज जिसका कि कोई इलाज नहीं हो रहा है, लाइलाज हो चुकी है, तो जिसको हम कहते हैं कि अब इसका कोई, हम असमर्थ हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, तो लास्ट है कि हम कहते हैं कि गेहूं के ज्वार आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, मंडे को जो लगाएंगे अगले मंडे को जो है वो 3 इंच तक बड़े हो जाते हैं, कैंची से काट लीजिए, जड़ समेत निकाल लीजिए, उसको धो के जिस किसी को भी उसका रस पीस के पिलाते हैं, अगले 40 दिन के अंदर में 90% ने 100%, चाहे वो कैंसर के भी पेशेंट होगा, रिकवरी अच्छी आएगी, सेल्स जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और दूसरा बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको सूर्य नमस्कार पे जरूर लाइएगा, सूर्य नमस्कार आदित्य से नमस्कार ये कुर्वन देने देने आयुर्प्रज्ञा यशोबलम तेजस तेसाम च जायते। और जो योग में मिलने वाली चीज़ें हैं वो हमारे जैसे हठयोग में बताया गया कि वपु कृषत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फटत्वम नैने सु निर्मले आरोग्यता बिंदुर जयो अग्नि सुदीपन नाड़ सुधिर हर सिद्ध लक्षण, ये सारी नाड़ियों में एक पूर्ण रूप से शुद्धता प्राप्त होती है। के शर्मा जी को नमस्कार, और आपने इतने अच्छे से बताया है, इस इन अध्यापिकाओं को या टीचर्स को हमें बताने की इसकी आवश्यकता ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चों के भी टीचर हैं और किशोर एज के भी बच्चे हैं इनके स्टूडेंट, तो ये जो सीखेंगे फिर उन बच्चों को कराएंगे, और इससे क्या रहेगा कि जैसे एमरल्ड एकेडमी में और बहुत सी चीज़ें कराई जाती हैं अच्छे अच्छे बच्चों के उसके लिए कि अच्छा उनको अच्छा सा कुछ मिले, बच्चों को ज्ञान मिले, तो स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना भी ज़रूरत है, और वो क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल की चूँकि मदर फादर सब जॉब करते हैं तो शायद बच्चों पर उस तरह से पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा पाता, तो लेकिन ये अगर अध्यापिकाएं सीख लेंगी और ये जब कराएंगे बच्चों के तो पूरा बच्चों का पूरा प्रॉपर केयर हो जाएगा, इसीलिए किया गया। और यहाँ के सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि उन्होंने सीरियसली सीखा है, और इस स्कूल के अथॉरिटी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये कार्यक्रम करने को दिया। आई होप कि इन सबको समझ में आया है, अगर आप दोबारा भी सीखना चाहते हो कभी तो हम फिर के शर्मा जी को बुला सकते हैं, वैसे तो आप चैनल देख के सीखते रहिए और बच्चों को कराते रहिए। धन्यवाद।